हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के पैटर्न के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अभी अभी एक अपडेट निकल कर आई है, बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के पैटर्न में हुआ है एक बड़ा बदलाव, जिसके कारण छात्र छात्राओं के बीच मायूसपन का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, नया अपडेट यह निकल कर आ रही है कि 2023 में जो परीक्षा होगी मैट्रिक और इंटर की, उसमें फिर से 60 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आपको 50 का आंसर देना होगा। उसके बाद बचे हुए 50 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद छात्र छात्राओं के मन में एक सवाल उठ रहा कि होगा, पिछले साल वाले परीक्षा में तो 100 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। उनको बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से कोरोना काल के महामारी के कारण छात्र छात्राओं अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए थे। इसी के कारण बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह फैसला लिया था, जो छात्र छात्राओं इस साल एग्जाम देंगे 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें उनको में 50 का ही आंसर देना हो, जिसमें छात्र छात्राओं को ज़्यादा कठिनाई ना हो और सभी पास हो जाए। लेकिन इस साल सभी छात्र छात्राओं अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग जा रहे हैं। इसी के कारण बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने यह फैसला लिया है कि पहले जैसा ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने इस नोटिस का एक पेपर कटिंग लगा दिया हूँ दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह का नोटिस आप तक पहुँच